देख रहे हैं एसआरटीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है सुराबेडी मेडोज वेडिंग डेस्टिनेशन के प्रबंध संचालक चेयरमैन श्री बीके अग्रवाल जी। सर, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो लेजर डेस्टिनेशन वेडिंग जो आपका नया सेटअप जो है, तो आप ये बताइए किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे जो लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, वेडिंग के सेरेमनी यहाँ पे होती है, तो आप बताइए किस तरह के फैसिलिटीज और एमिनिटीज अवेलेबल है, उस बारे में बताइए। ये सुराबेडी मेडोज जो मेरा प्रोजेक्ट है, ये नागपुर से 14 किलोमीटर दूर अमरावती रोड पे है और एक वीणा माइनर इरिगेशन टैंक है उसके किनारे पे बसा हुआ है। तो ये एक हमारा लेक शोर डेस्टिनेशन है और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो हम लोग हमेशा इसको लेक शोर डेस्टिनेशन बोलते हैं, लश ग्रीन लेक शोर डेस्टिनेशन बोलते हैं। ये डेस्टिनेशन वेडिंग जो हम लोगों ने ये चालू की है, हमने सब 2008 में चालू की। उस वक्त डेस्टिनेशन वेडिंग नाम की कोई चीज बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। ये मेरी अपनी जमीन थी जिसको मैं डेवलप करना चाहता था, तो मैंने उसको डेवलप किया और 2008 में मेरे बेटे की शादी से इसको चालू किया। उस वक्त से मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिला कि ये मैंने अपने आप में उसको एक वेडिंग डेस्टिनेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे जहाँ तक फैसिलिटी का सवाल है, तो सबसे जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि हम लोग एक लेक शोर हैं, तालाब के किनारे की हमारी है और हमारा पूरे ग्रीन लॉन्च है, साथ बड़े 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 उसके ऊपर हमने ये फैसिलिटी क्रिएट की है। हमारे पास 94 रूम्स हैं और ये 94 रूम्स भी एक जगह पे नहीं है, हमने 10-20 रूम के 3-4 क्लस्टर बनाए। जो हमारी हर्मिटाज बिल्डिंग है जिसमें हमारे मिला के 16x32 रूम है, वो दो एक जैसी मिरर इमेज बिल्डिंग है। उसके बाजू में हमारी कॉटेजेस हैं, वो कॉटेज में भी 6-5 कॉटेजेस हैं जिसमें 10 रूम है। फिर एक हम न्यू कॉटेज बोलते हैं, उसके अंदर हमारे 22 रूम है और उसके बाद हम लोगों ने 20 टेंट बनाए हैं और 5 फार्म हाउस, ऐसा करके टोटल हमारे पास 94 रूम है। इस 94 रूम के अलावा हमारे पास 5-6 बड़ी बड़ी लॉन है। एक लेक शोर लॉन है जो तालाब के किनारे की है पूरी, एक लोग उसको हम लोग लेक शोर लॉन बोलते हैं। उसी के बाजू में एक हमने एक और लॉन डेवलप किए जिसको हम बीच बोलते हैं। वो बीच में हम लोगों ने नारियल के झाड़ वगैरह लगा के पूरा गोवा का एटमोसफियर क्रिएट किया हुआ। इसके अलावा फिर हमारी जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने भी 2-3 लॉन्स हैं जिसको हम एक अपर लॉन, लोअर लॉन और एक हमारा क्लब बिल्डिंग है। सबसे बड़ी फैसिलिटी हमारी क्लब है, क्लब के सामने भी हमारा एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो हम उसको रॉयल ग्राउंड बोलते हैं। इस टाइप नागपुर में हम सेंट्रल इंडिया में बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े लॉन्स हमारे पास हैं। लेक शोर का मेरे ख्याल से हम लोग इकलौते प्रोजेक्ट हैं, पानी के इतना पास और कहीं जाने को नहीं मिलता, हम लोग बिल्कुल पानी के किनारे हैं। इरीगेशन का जो तालाब खत्म होता है, तालाब की बाउंड्री से लग के हमारी बाउंड्री है, तो हम लोग एक लेक शोर, ये हमारा एक वो है। इसके बाद हम लोग हमारे यहाँ शादी में हर प्रकार की फैसिलिटी देते हैं, डेकोरेशन भी हम करते हैं, खाना भी हम करते हैं, रूम भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आपको सिर्फ अपने दूल्हा दुल्हन को लेके आना है, मेहमान को लेके आना है, मेहमानों की फिक्र करना है, हम लोग हमारे हर क्लाइंट को ये एश्योर करते हैं कि आप सिर्फ अपने ग्राहक अपने गेस्ट की फिक्र कीजिए, बाकी की फिक्र हम कर लेंगे, आपको किसी चीज़ की कोई कंप्लेन नहीं होगी। और भगवान की दया से हम लोग आज पिछले 12-13 साल से सक्सेसफुली ये सब कामों को कर रहे हैं और हम लोगों को गर्व है कि हम लोग शायद सेंट्रल इंडिया में भी बोलेंगे तो सबसे अच्छा डेस्टिनेशन वेडिंग है जो अच्छा काफ़ी स्प्रेड है। सर, ये तो देखा गया है कि काफ़ी व्यस्त शहर का एटमोसफियर है, ऐसे में लोग ये चाहते कि अपना हॉलीडे डेस्टिनेशन थोड़ा आउटर में जाके सेलिब्रेट करें, तो ऐसे में जो सुराबेडी मेडल्स जो है ये काफ़ी चर्चित है लोगों के बीच में, जिसके आपने फैसिलिटीज और अमेनिटीज का जिक्र जो किया है, तो आप ये भी बताते चले कि ये जो सुराबेडी मेडोज में है, जैसे अभी कॉर्पोरेट सेक्टर्स का काफ़ी समावेश हो गया अपने नागपुर में, ग्लोबल मैप में आ गया नागपुर, तो काफ़ी लोग ये चाहते कि कुछ नए जगह पे सेलिब्रेट करें या कॉर्पोरेट पैकेज के रूप में वो वहाँ पर जाके सेलिब्रेट करें, तो कॉर्पोरेट पैकेज के रूप में कुछ फैसिलिटीज आपने दिए गए न्यू ऑफर्स में। देखिए, जहाँ तक अगर हम लोग ये बात करेंगे, ये फैसिलिटी शहर के बाजू में है, शहर के बाहर है,
इससे नागपुर शहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नागपुर शहर वालों की मेंटेलिटी, अगर वो नागपुर शहर वाला सोचता है कि मेरे को 14 किलोमीटर दूर जाना है, तो नागपुर शहर वाला इस फैसिलिटी को कभी भी उतना प्रेफरेंस नहीं देता है। पर जितने दूर के लोग हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग को ढूंढना चाहते हैं, पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ MP महाराष्ट्र के आसपास के लिए, ये वाले लोग हमारे डेस्टिनेशन वेडिंग को ज़्यादा आते हैं। लोकल वाला आदमी डेस्टिनेशन वेडिंग समझ के उतना नहीं आता है। जहाँ तक कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी का सवाल है, कॉन्फ्रेंस वाले हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस हो सकती है। हमारे हम लोगों ने 5,000-5,000 लोगों को भी कॉन्फ्रेंस की, छोटी बड़ी सब कॉन्फ्रेंस सेलिंग करके हम लोग सक्सेसफुल हैं। पर वेडिंग डेस्टिनेशन में बाहर की भी आती है। कॉन्फ्रेंसेस में जो बड़ी बड़े डॉक्टर्स वगैरह के एक्सक्यूज की जो लोकल कॉन्फ्रेंसेस होती है, वो हमारे यहाँ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे अलावा और कोई रास्ता नहीं। सर, जैसे कि राजस्थान में जो रॉयल पैलेस में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो बड़े भव्य दिव्य रूप में जो होता है, तो ऐसे ही सेम है सोराबटी मेडोज में भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। बड़ी बड़ी शादियां भी करते हैं, आप जिस लेवल का बोलो, हमने बड़े बड़े लेवल के डेकोरेशन भी किए हैं। ये सब क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस किस लेवल का डेकोरेशन उसको होना। हम किसी भी लेवल का डेकोरेशन या कम कर सकते हैं, हम किसी भी डेस्टिनेशन से कम नहीं है। पर क्या होता है, अगर आपको शादी करना है, मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, या हम लोग जब लिस्ट देते हैं तो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उसमें नागपुर सबसे आगे में आता है। नागपुर शहर हमारा गर्मी के लिए बदनाम है, तो दुनिया में एज ए सिटी नागपुर को उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। डेस्टिनेशन वेडिंग हम अच्छे हैं, पर जब आप डेस्टिनेशन वेडिंग भी ढूंढते हैं तो आप उसके शहर को भी देखते हैं, तो उस कंपेरिजन में हम लोग फिर नागपुर का नाम आखिरी में आता है। सर, नेबरिंग स्टेट्स जो है अपने आजू बाजू के जो स्टेट के जो लोग जो साथ में मतलब प्रेफरेंस देते हैं, तो जैसे वेडिंग का डेस्टिनेशन के देखा जाए तो एक पर्टिकुलर सीजन होता है वेडिंग का, उस हिसाब से लोग आते हैं। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा जैसे कि कुछ और मतलब डेस्टिनेशन के रूप में कुछ सेलिब्रेट करना है या कुछ रुकना है, वहाँ पे स्टेइंग करना है, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज करना है, थोड़ा सा एटमोसफेयर चेंज करना है, तो ऐसे समय भी वो चीज़ें अवेलेबल होती है कि सर? हम लोग पूरी कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी करते हैं। इसके बाद फिर लोग जो मोस्ट कॉमन नेक्स्ट वेडिंग मोस्ट कॉमन इज 50th मैरिज एनिवर्सरी, 25th मैरिज एनिवर्सरी, ये सब सोशल फंक्शंस भी बहुत हो जाते हैं। जहाँ तक कॉन्फ्रेंसेस का सवाल है, कॉन्फ्रेंसेस राउंड द ईयर होती है, तो कॉन्फ्रेंसेस भी धीरे 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 पूरी मिलती है। पर एक जो हमारा माइनस पॉइंट है या ये है कि हम लोग पूरा ओपन है। पूरा ओपन होने से गर्मियों में हमारे यहाँ उतना फंक्शन नहीं हो पाता है, छोटी छोटी मीटिंग है। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक मिस्टर बीके अग्रवाल जो कि आप चेयरमैन हो सोराबटी मेडोज के, आपको नहीं देख रहे हमारे दर्शक, हमारा दर्शक कोई इच्छा हो या उनको चाह हुआ कि कुछ डेस्टिनेशन में जाकर कुछ चेंजेस करें, तो आपसे वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इवन आपका फोन नंबर और सोराबटी मेडोज का एड्रेसेस वेन्यू पूरा हमारे स्क्रीन पे झलक रहा है, तो वे देख के संपर्क कर सकते हैं। तो अग्रवाल सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए, यदि वे डेस्टिनेशन में आकर इंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या उससे पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, तो आपने उसके लिए भी कुछ एक फैसिलिटी दी हुई है क्या? देखिए, हमारा क्लब हाउस है जी। आप जो भी हमारे यहाँ बुकिंग करना चाहते हैं, हम उसको सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, पहले हमारी पूरी फैसिलिटी देखिए, और फिर उसके बाद ही पूरा निगोशिएशन हम करते हैं। और जो आदमी भी हमारे यहाँ शादी बुक करता है, वो 3-4 बार विजिट करता ही करता है, एक बार में कभी होता नहीं है। पहले वो प्रिलिमिनरी बात होती है, फिर उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, फिर हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। वो 3-4 बार आना होता है, एक बार में नहीं होता किसी का। जब हम पैकेजेस के चार्जेस के बारे में बात करते हैं, तो और भी कई क्लब हाउसेस हैं, कई कॉर्पोरेट सेक्टर्स की एंट्री हो चुकी है, तो उनके कंपैरिटिव में आप अपने आप को किस बैठाते हैं उस बारे में? जहाँ तक मेरा प्रोजेक्ट है, डेस्टिनेशन वेडिंग का है, हम लोग नागपुर की सबसे प्रीमियम है। नागपुर में सबसे प्रीमियम वेडिंग डेस्टिनेशन है। हमारी क्वालिटी, हमारा डेकोरेशन, हमारी ये जितनी ओपन एरियाज हैं, वही हमारा बेंचमार्क है। हम लोग जितना ओपन एरिया हमारे पास है, हमारे पास जितनी पार्किंग की फैसिलिटी है, वो नागपुर में किसी के भी पास नहीं है। तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए, अगर नागपुर में 1,000-2,000 आदमी का भी कोई रिसेप्शन करना है, तो सिर्फ हम हैं। और हम लोग 5-10 हज़ार आदमी तक की भी रिसेप्शन हम कर चुके हैं, गैदरिंग कर चुके हैं, हमको कुछ तकलीफ नहीं है। हमने पार्किंग के लिए भी 15-20 एकड़ जमीन छोड़ी हुई, जो मेरे ख्याल से कहीं किसी के भी पास नहीं है।
ऐसे दर्शक जो कॉर्पोरेट सेक्टर से भी बिलोंग होते हैं या जिन्हें वेडिंग रजिस्ट्रेशन कराना है, कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाना है, तो निश्चित रूप से आपके सोरा बॉडी मेडोज में वो आके एंट्री ले सकते हैं, आपसे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करके बुक कर सकते हैं। तो आप ये बताइए, आपका एक मैसेज क्या रहेगा ऐसे लोगों को कि ये किस तरह का प्लेस है और किस तरह से एंजॉय करना चाहिए? देखिए, ये सबसे अच्छा लश ग्रीन लेक शोर वेडिंग डेस्टिनेशन है। कॉन्फ्रेंस के लिए भी आप बात करें तो लेक शोर ग्रीन लश ग्रीन डेस्टिनेशन है। इतना खुला, इतना अच्छा, आपको कोई डेस्टिनेशन कहीं और नहीं मिलेगा जितना हमारे यहाँ मिलेगा। आपको अपने प्रोग्राम से ज्यादा, जो भी आदमी हमारे यहाँ इवेंट करता है वो आदमी इवेंट से ज्यादा हमारी जगह को याद करता है। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है। जितनी भी शादियाँ हुई, जो भी लोग आए, शादी अटेंड करता करता है शादी भी याद करता है, शादी के बाद साथ साथ हमारा रेन्यू भी करता है। तो आप जो दो दिन आके यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है और आपके लिए एक बहुत अच्छी यादगार है, वो हर कोई नहीं दे पाएगा, ये मेरी गारंटी। ये थे मिस्टर बी के अग्रवाल जो कि सोरा बॉडी मेडल्स के चेयरमैन है, जिन्होंने हमारे साथ बिल्कुल संवाद किया हर अपने खुद के मेडल्स के बारे में, खुद के नॉन डेस्टिनेशन के बारे में पूरा खुलकर बताया। तो जरूर हमारे दर्शक आपसे जुड़ना चाहेंगे। तो सर, आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत किया, उसके लिए आपको धन्यवाद।